हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट अनदर एपिसोड। तो दोस्तों, आप कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करते हो तो कभी ना कभी कर्नल का नाम आपने सुना ही होगा। आखिर कर्नल है क्या? The kernel is the most fundamental part of an operating system. It can be through of us the program which controls all other programs on computer. When the computer starts, it goes through some initialization functions such as a checking memory. It is responsible for assigned and unassigned memory space which allows software to run. अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलो एक बार डेफिनेशन को मान भी लेते हैं। जो कर्नल होता है वो हमारे कंप्यूटर के मिडल लेवल पे वर्क करता है एंड यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है उसे हम ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो भी सेम मिडल लेवल पे वर्क करते हैं और एक कर्नल भी सेम मिडल लेवल पे वर्क करता है। तो ये तीनों चीजें सेम है क्या? तो दोस्तों, ये सभी अलग अलग है और इसे और आसान भाषा में हम समझते हैं और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के जमाने में लिनक्स कई सारे जगहों पे यूज होता है और इसके बारे में कंफ्यूजन भी बहुत सारे हैं। तो इसे हम टेक्निकली कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो मैनेज करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को एंड कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है एंड सभी कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि जो फर्स्ट लेयर होता है जो यूजर एंड जो एंड लेयर है हार्डवेयर लेयर, तो इनके बीच में जो वर्क कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इन दोनों को इंटरेक्शन कर रहा है मिडल लेवल पे। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जिससे कि उस डिफरेंट कंपोनेंट से कंप्यूटर वर्क करता है और उसमें एक की कंपोनेंट रहता है, उसे हम कर्नल कहते हैं। तो लिनक्स इज अ कर्नल बिकॉज कर्नल इज अ प्रोग्राम। जैसे हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो फर्स्ट बायोस ऑन होता है एंड इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को चेक करता है एंड हार्डवेयर चेक करके यानी कंपोनेंट्स के पार्ट्स प्रॉपर तरीके से लगे हैं या नहीं उसका एक कंफर्मेशन देके स्टार्ट होता है। तो लिनक्स फ्री एंड ओपन सोर्स कर्नल है जो कि अभी मॉडिफाइड होके मोबाइल में इंस्टॉल है और उस सॉफ्टवेयर को हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी समझ में आया ही रहेगा कि कर्नल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और उसे हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है एंड ऑल्सो कर्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल टास्क लाइक डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और दोस्तों, लिनक्स का यूज वर्ल्ड में सभी जगह पे होता है। एग्जाम्पल, आपके मोबाइल या बिग कंपनीज हो गई लाइक गूगल, ट्विटर, अमेजोन और सर्वर एंड सुपर कंप्यूटर में सभी जगह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया रहेगा कि लिनक्स कर्नल क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। तो वीडियो को करना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।